मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीए मंत्रा में। आज हम करेंगे हमारे MMV यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल फर्स्ट ईयर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 9। इससे पहले हम 8 वीडियो कर चुके हैं, तो जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो भी जरूर देख ले, और पहली बार अगर चैनल पे आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि उसको आगे आने वाले सीरीज की वीडियो और आईटीआई से रिलेटेड जो दूसरी अपडेट है उनके वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ये जो क्वेश्चन सीरीज ली है ये ली है हमारी बारस्किल की ऐप या बारस्किल की साइट पर, जो क्वेश्चन बैंक उपलब्ध कराए गए हैं निम्मे के द्वारा वहां से, लेकिन उस पीडीएफ में केवल आंसर दिए गए हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो इस पूरी सीरीज में हम प्रत्येक आंसर को, प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे विद डायग्राम विद फिगर। तो जो बच्चा सीबीटी एग्जाम या किसी दूसरे कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ और दूसरी अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पर जब आप लिखोगे ऑनलाइन आईटीए मंत्रा तो हमारे लोगों से आपको पहचान हो जाएगी और उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो क्विज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द डाई, निम्न डाई का नाम क्या है। ये डायग्राम आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, इस डाई का आपने नाम बताना है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इस डाई का नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है सॉलिड डाई, हाफ डाई, सर्कुलर स्प्लिट डाई या रेक्टेंगुलर स्प्लिट डाई। तो ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताएं। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, निम्न ऑपरेशन का नाम क्या है। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने बताना इस डायग्राम को देख के ये कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑप्शन आपके पास है ड्रिलिंग, बी ऑप्शन है टैपिंग, सी है डाइंग और डी है रिमिंग। तो आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पर एक हमारा हैंडल है और हैंडल पे आपने दिखा यहाँ पर एक एरो बना रखे, यानी कि यहां से उसको पकड़ना है, ये होल्ड करना, होल्ड करके इसको रोटेट करना, ये जो सिंबल है इसे रोटेट करना है। तो आप देख सकते हो रोटेट जिसको करना है इस हैंडल से, तो यहां पर ये क्या लगा हुआ है, एक टूल लगा हुआ है और ये टूल है हमारा रिमर। क्या है ये, रिमर टूल है। तो ये ऑपरेशन भी कौन सा हो जाएगा, रिमिंग, यानी कि रिमर टूल से कौन सा ऑपरेशन होता है हमारा, रिमिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है, रिमिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। और रिमिंग ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी होल होता है, देखो ये होल पहले से किया हुआ है, इस होल को अच्छे से फिनिश करते हैं या इसका छोटा मोटा डायग्राम को इंक्रीज करते एनलार्ज कर सकते हैं। तो जहां होल को थोड़ा सा एनलार्ज करना हो और उसकी अच्छे से फिनिशिंग करनी हो, सरफेस फिनिश उसकी बढ़िया करनी हो, उसकी एक्यूरेसी बढ़ानी हो, तो हम क्या यूज करते हैं, रिमर यूज करते हैं, और उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, रिमिंग बोलते हैं। तो इस डायग्राम में जो दिखाया गया वो रिमिंग ऑपरेशन है। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 122, विच डिवाइस इज यूज टू होल्ड द स्ट्रेट सैंक ड्रिल, स्ट्रेट सैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। आपने इस क्वेश्चन में ये बताना है जो ड्रिल का सैंक होता है उसको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, जब भी आपको ड्रिलिंग करनी होती है तो उसको होल्ड करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है स्ट्रोक, चक, स्लीव या सॉकेट। तो ड्रिल के सैंक को पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं चक का। ड्रिल को कैसे पकड़ा जाता है, चक के द्वारा पकड़ा जाता है। और समझने के लिए चक कैसे होता है ये डायग्राम मैंने लिया आपको समझाने के लिए। तो ये हमारा चक और ये हमारी चक्की, इस चक्की की मदद से यहाँ पर डाल के हम यहाँ डालते हैं ड्रिल बिट और इसको टाइट कर देते हैं। किसकी मदद से, इस चक्की की मदद से। तो होल्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम चक का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 123, विच ड्रिल मशीन यूज टू ड्रिल स्मॉल डायमीटर होल्स अप टू 6 mm, यानी कि 6 mm तक के छोटे व्यास के छेद को ड्रिल करने के लिए किस तरह की ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ड्रिलिंग मशीन बहुत तरह की होती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो छोटे होल होते हैं यानी कि अप टू 6 mm, यानी कि वो छोटे होल की बात हम कर रहे हैं, उसके लिए कौन सी ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है बेवल गियर हैंड ड्रिल, न्यूमेटिक हैंड ड्रिल, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल लाइट ड्यूटी या इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल हैवी ड्यूटी। तो जो छोटे छेद होते हैं, 6 mm से भी कम के छेद होते हैं, उनको करने के लिए हम सिंपली क्या यूज करते हैं, बेवल गियर हैंड ड्रिल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। और बेवल गियर हैंड ड्रिल होती कैसी, आपने देखी भी होगी, आपको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम लिया है। देखो इसको हाथ की मदद से हम चलाते हैं, ये यहां देख सकते हो जो गियर है ये कौन से है, हमारे बेवल गियर है, इसलिए इसको बेवल गियर हैंड ड्रिल बोला जाता है। और चलती कैसे, हाथ की मदद से हम इसको घुमाते हैं
और यहां लगी होती है हमारी ड्रिल बिट, और हम छोटे जो होल होते हैं वो आसानी से कर सकते हैं हाथ की मदद से, हाथ से घुमा के इसको आसानी से चलाया जा सकता है। तो 6 mm से कम के जो होल होते हैं उनको ड्रिल करने के लिए हम इस मशीन का प्रयोग करते हैं, बेवल गियर हैंड ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 124, विच ड्रिलिंग मशीन अचीव वेरियस स्पिंडल स्पीड बाय चेंजिंग द बेल्ट पोजिशन। कौन सी ड्रिल मशीन बेल्ट की स्थिति को बदलकर विभिन्न दूरी गति को प्राप्त करती है? ऑप्शन आपके पास है पिलर ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, कॉलम ड्रिलिंग मशीन या सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन। यानी कि आपने बताना कौन सी ड्रिलिंग मशीन में हम अलग अलग स्पीड अचीव कर सकते हैं, अलग अलग स्पीड पे उसको चला सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सेंसिटिव बेंच ड्रिल मशीन, डी हम मार्क करेंगे इस क्वेश्चन के लिए अगर ये एग्जाम में आ जाए तो। कैसी होती है समझाने के लिए मैंने ये पिक्चर लिया आपको, डायग्राम ये क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, सिर्फ समझाने के लिए। इसका डायग्राम ऐसे दिखता है, बेंच हमारी जो ड्रिलिंग मशीन होती है और एक्चुअल में मशीन ऐसे होती है। यहाँ पर हमारा जो वर्क पीस है वो रखते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रिल बिट लगी हुई है और हम इसका होल करते हैं। स्पीड कैसे अचीव करते हैं ये देखो, यहाँ पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइज की पुली लगी हुई है, तो जो हमें स्पीड कम ज्यादा करनी है तो इस बेल्ट को अलग अलग पुली पर हम पोजिशन कर देते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी ड्रिल मशीन में हम अचीव करते हैं वेरियस स्पिंडल स्पीड बाय चेंजिंग द बेल्ट पोजिशन, बेल्ट पोजिशन को चेंज करके अलग अलग तरह की स्पीड कौन सी मशीन में हम प्राप्त करते हैं। तो वो थी हमारी सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन, इस पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 125, विच टाइप ऑफ वाइस इज यूज टू होल्ड अ जॉब फॉर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के लिए जॉब को पकड़ने के लिए किस प्रकार के वाइस का प्रयोग किया जाता है? देखो वाइस हमारे एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है, इसमें वर्क पीस को हम होल्ड करते हैं, लेकिन यहां पूछा गया ड्रिलिंग के लिए हम कौन से वाइस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के होते हैं। ऑप्शन आपके पास है बेंच वाइस, लेग वाइस, मशीन वाइस या हैंड वाइस। तो जो ड्रिलिंग करने के लिए हम जॉब को पकड़ते हैं वो कौन से वाइस में पकड़ी जाती है, वो हमारा आंसर हो जाएगा मशीन वाइस। तो इस क्वेश्चन के लिए हम किस पर टिक करेंगे, सी पे। और मशीन वाइस दिखती कैसे है ये हमने समझाने के लिए आपका एक डायग्राम लिया है, ये हमारा मशीन वॉइस है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं वर्क पीस को जिसमें भी हमें ड्रिलिंग करनी होती है, और पीछे से इस हैंडल की मदद से उसको टाइट कर देते हैं और ये मशीन वॉइस किस पर लगता है, मशीन के ऊपर फिट हो जाता है। तो ड्रिलिंग के लिए वर्क पीस को होल्ड करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मशीन वॉइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 126, व्हाट इज द सिलेक्शन ऑफ ए टैप ड्रिल साइज। एक टैप ड्रिल आकार का चयन कैसे किया जाता है, यानी कि आपने ड्रिल को पकड़ने के लिए टैप का प्रयोग करना है तो उस टैप के साइज को आप कैसे डिसाइड करोगे, उसके साइज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन में। ऑप्शन आपके पास है मेजर डायमीटर प्लस पिच, यानी कि मेजर डायमीटर और पिच को जोड़ के। बी ऑप्शन है मेजर डायमीटर गुणा पिच, पिच और मेजर डायमीटर गुणा करके। सी है मेजर डायमीटर बटे पिच, यानी कि मेजर डायमीटर को भाग कर दोगे पिच से। या डी ऑप्शन है मेजर डायमीटर में से घटा दोगे पिच को। तो हमारा जो टैप के ड्रिल का साइज है वो कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं मेजर डायमीटर में से क्या घटा देते हैं, पिच की वैल्यू घटा देते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो मेजर डायमीटर में से पिच को घटाते क्या आ जाएगा हमारा, जो भी हमारा टैप के ड्रिल का साइज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, जैसे अगर हमारे पास ड्रिल करना जो साइज है वो ये है M5 × 0.75 थ्रेड, इसका मतलब जो 5 है ये क्या हो जाएगा हमारा मेजर डायमीटर की वैल्यू होती है और 0.75 ये क्या हमारा पिच की वैल्यू है। तो 5 में से 0.75 आ जाएगा घटा के क्या आ जाएगा 4.25 मिलीमीटर। तो ये 4.25 मिलीमीटर ये किसका साइज हो जाएगा, टैप ड्रिल का साइज हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं मेजर डायमीटर में से पिच घटा देते। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 127, विच टेपर यूज्ड इन द ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में कौन सा टेपर का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग तरह के टेपर होते हैं। ऑप्शन आपके पास है पिन टेपर, ब्राउंड एंड शार्प टेपर, मेट्रिक टेपर या मोर्स टेपर। तो जो ड्रिलिंग मशीन में यूज किया जाता है वो होता है हमारा मोर्स टेपर, और दिखने में वो ऐसा होता है। ये देखो यहाँ देख सकते हो जो ड्रिल बिट है इसमें पीछे से ये टेपर किया हुआ है, इस टेपर की मदद से ये जो होल्ड कर सकते हैं हम अलग अलग मशीन में, चाहे हमारा ड्रिलिंग मशीन में इसको होल्ड करना हो, चाहे लेथ के टेल स्ट्रोक में इसको होल्ड करना हो या मिलिंग मशीन में होल्ड करना हो, इस टेपर की मदद से ही आसानी से फिट हो सकता है और आसानी से निकाला जा सकता है। तो जो ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें कौन सा टेपर यूज करते हैं, मोर्स टेपर यूज करते हैं, आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन के लिए डी पर हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 128, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्टिविटी। निम्न गतिविधि का नाम क्या है। देखो ये गतिविधि दिखा रखी है भाई, ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर हैमर है, ये ड्रिल बिट है, ये हमारा वर्किंग टेबल है जहां पर हमने वर्क पीस रखना है और ये हमारी ड्रिल बिट इसमें कनेक्टेड है। तो इस हैमर की मदद से क्या दिखा रखा है, इस पार्ट को जो टेपर पार्ट था इसको हमने बाहर निकाल दिया
इसको बाहर निकाल दे, हमारी जो ड्रिल बिट है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो ये ऑपरेशन कौन सा है, बहुत आसान है, देखते पता लग जाए हम क्या कर रहे हैं, ड्रिल बिट को निकाल रहे हैं, यानी कि रिमूव द ड्रिल। ऑप्शन में देख लो कहां पर है, होल्ड द ड्रिल, जी नहीं, रिमूव द ड्रिल, यस। इस जो एक्टिविटी दिखाई गई इसमें हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, ड्रिल को निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ड्रिल को निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, विच पार्ट ऑफ ड्रिल फॉर्म्स अ कटिंग एज, ड्रिल का कौन सा हिस्सा कटिंग एज का निर्माण करता है। देखो समझाने के लिए मैंने डायग्राम भी ले रखा है ताकि आपको पता लग जाए कि ड्रिल बिट के जो अलग अलग पार्ट है वो कौन से होते हैं। तो इसमें पूछा गया है जो कटिंग एज बनाता है वो कौन सा पार्ट होता है। ऑप्शन आपके पास है लैंड, पॉइंट, फ्लूट या बॉडी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पॉइंट है और ये जो फ्लूट है ये हमारा स्पाइरल पार्ट होता है, सेंक जहां से हम होल्ड करते हैं उसको, इसको बोलते हैं, और ये इतना इसके बीच में जो पार्ट होता है इसको हम बॉडी बोलते हैं। तो जो कटिंग एज का निर्माण करता है ड्रिल में वो होता है हमारा फ्लूट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फ्लूट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये हमारे फ्लूट जो स्पाइरल पोर्शन है, ये जो आगे ड्रिल बिट मूव करती रहेगी, जो हमारे चिप है वो निकलते रहेंगे, और आप बीच में इसके खाली जगह भी होती है स्पाइरल में, तो चिप हमारे इसके रास्ते के थ्रू बाहर भी निकलते रहते हैं। तो कटिंग एज का निर्माण करते हैं हमारे फ्लूइड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फ्लूइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 130, विच पार्ट ऑफ ड्रिल सेपरेट द फ्लूइड्स। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है ड्रिल का कौन सा भाग फ्लूट को अलग करता है। ऑप्शन आपके पास है लिप, लैंड, कटिंग एज या वेब। तो समझाने के लिए मैंने फिर से एक डायग्राम लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप सभी को पता है कि जो फ्लूट है ये होते हुए फ्लूट हमारे जो स्पाइरल पार्ट होता है, घुमावदार जो पार्ट होता है, तो इन फ्लूट को अलग कौन करता है, इनको अलग करता है ये वेब। जो सामने से इसका फ्रंट व्यू है, ड्रिल बिट का एक तरह से फ्रंट व्यू है, तो ये वेब है, एक तरह का कोलम की तरह होता है, ये कोलम सा बनता है, फ्लूट के बीच में बनाया जाता है, जो फ्लूट्स को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है। तो यही आंसर हो जाएगा, वेब। वेब जो है हमारे ड्रिल में फ्लूट्स को अलग करता है। तो डी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 131, विच एंगल ऑफ ड्रिल बिट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन बिहाइंड द कटिंग एज, ड्रिल बिट का कौन सा कोण काटने के किनारे के पीछे घर्षण को रोकता है, यानी कि वो कौन सा एंगल होता है जब ड्रिल बिट आप वर्क पीस में डालते हो, मूव करते हो, और हमारी ड्रिल बिट है हमारे वर्क पीस से दूर रहती है, रब नहीं करती, वो कौन सा एंगल होता है। ऑप्शन आपके पास है पॉइंट एंगल, रेक एंगल, क्लीयरेंस एंगल या हेलिक्स एंगल। तो वो एंगल होता है हमारा क्लीयरेंस एंगल, सी पर हम मार्क करेंगे, निकासी एंगल हिंदी में कह सकते हैं, क्लीयरेंस एंगल। समझने के लिए ये 113 नंबर क्वेश्चन में आया भी था, ऐसे डायग्राम आपको दे रखा था, उस क्वेश्चन में पूछ रखा था कि ये कौन सा एंगल है, तो वहां आंसर हो जाता है हमारा क्लीयरेंस एंगल। लेकिन ये समझाने के लिए मैंने दोबारा फिर ले लिया डायग्राम, तो ये होता हमारा क्लीयरेंस एंगल, हम क्लीयरेंस एंगल देते हैं ताकि हमारा जो अंदर जब ड्रिल जाएगी तो वर्क पीस पे ये रब ना करे, इससे हमारी एक्स्ट्रा हीट भी प्रोड्यूस नहीं होती और हमारी ड्रिल बिट है कम घिसती है, उसमें वीयर एंड टियर कम से कम होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्लीयरेंस एंगल, जो प्रिवेंट करती है फ्रिक्शन बिहाइंड द कटिंग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 132, विच टैब इन ए सेट हैव 4 डिग्री चैम्फर एट इट्स एंड, एक सेट के किस टैब के अंत में 4 डिग्री का चैम्फर होता है। देखो अलग अलग तरह के टैब होते हैं, वो आपने बताना है किस में 4 डिग्री का चैम्फर होता है। ऑप्शन आपके पास है इंटरमीडिएट टैब, प्लग टैब, टेपर टैब या बॉटमिंग टैब। तो जो 4 डिग्री का चैम्फर होता है, टेपर होता है, वो होता हमारा टेपर टैब में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, टेपर टैप। और दिखने में चैम्फर का मतलब ये होता है, देखो ये मान लिया हमारा टैप है, और टैप का प्रयोग हम क्या करते हैं, जो भी हमारी इंटरनल थ्रेड होते हैं यानी कि आंतरिक चूड़ियां उनको काटने के लिए करते हैं। तो ये अलग अलग थ्रेड हैं, तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हो थोड़ा थ्रेड के जो साइज है वो कैसे कर रखे हैं, कम कर रखे हैं, टेपर दे रखा है, यानी कि इसमें 4 डिग्री का चैम्फर है, ऐसे थोड़ा सा स्लोप है, तो एक इसमें देते हैं हम टेपर टैप में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 133, विच टूल इज यूज्ड इन टू टेक इंटरनल थ्रेडिंग इन द कंपोनेंट। ये पिछला जो क्वेश्चन अभी समझा था उसी से रिलेटेड है, पूछा गया कि आंतरिक थ्रेड यानी कि आंतरिक जो चूड़ियां हैं वो काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है रिमर, ड्रिल, डाई या टैप। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो इंटरनल थ्रेड होते हैं, आंतरिक जो चूड़ियां होती हैं किसी पार्ट में अगर आपको काटनी है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टैप का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। और जो एक्सटर्नल यानी कि बाहरी थ्रेडिंग करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं डाई का। तो यहां पूछा गया इंटरनल थ्रेडिंग, आंतरिक चूड़िया, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टैप यूज करते हैं। तो डी पर टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 134, व्हाट इज द यूज ऑफ हैंड टैप। अब यहां पर हैंड टैप, अभी आप पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि टैप का प्रयोग क्या करते हैं, चूड़ियां काटने के लिए, और कौन सी चूड़ियां, इंटरनल यानी कि आंतरिक। ये हैंड टैप का प्रयोग भी वही होगा, तो देख लो ऑप्शन कहां, टू मेक द एक्सटर्नल थ्रेड, जी नहीं बाहरी थ्रेड के लिए इसका प्रयोग नहीं करते, टू मेक द इंटरनल थ्रेड आंतरिक चूड़िया बनाने के लिए, जी हाँ यही क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। जो हैंड टैप है या किसी भी प्रकार का टैप है, उस टैप का प्रयोग ही हम इसलिए करते हैं कि किसी पार्ट में जब हमें आंतरिक चूड़िया काटनी होती, इंटरनल थ्रेड हमें काटने होते, तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं रही, किसके टिक करेंगे, बी पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, विच टाइप ऑफ टैप रेंच प्रिवेंट डैमेज टू द टैप्स, किस प्रकार के टैप रेंच टैप को होने वाले नुकसान को रोकता है। देखो टैपिंग का प्रयोग हम क्या करते हैं, इंटरनल थ्रेड काटने के लिए। अब जब थ्रेड काटते हैं, टैप को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए हम टैप रेंच का प्रयोग करते हैं। तो इसे पूछा गया है, अलग अलग तरह के टैप रेंच होते हैं, वो कौन सा टैप रेंच है जो टैप को डैमेज यानी नुकसान होने से बचाता, उसका नुकसान नहीं करता और आसानी से उसको होल्ड भी कर लेता, पकड़ भी लेता। ऑप्शन आपके पास है पाइप रेंच, टेंशन रेंच, सॉलिड रेंच या टोर्क रेंच। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सॉलिड रेंच। ठोस रेंच जो होता है वो उसको आसानी से होल्ड भी कर लेता है और टैप को डैमेज नहीं करता, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इस क्वेश्चन के लिए हम किस पर टिक करेंगे, सी पर टिक करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज की वीडियो के नेक्स्ट 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दूसरे साथियों के साथ भी इन वीडियोज को जरूर से जरूर शेयर कर दिया करो। और धन्यवाद उन सभी बच्चों का जो हर वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करके बताते हैं वीडियो कैसी लगी, और दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।